3 अप्रैल 2024 को दार्जिलिंग की जनता का प्यार, उनका भरोसा और मोदी जी के विश्वास के कारण आज जो है मुझे पुनः इस क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर मिला और आज मुझे नॉमिनेशन करने का सौभाग्य दूसरी बार प्राप्त हुआ। मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और मैं विशेष करके इस क्षेत्र की दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता का आभारी हूं कि इतना स्नेह, इतना प्यार और इतना विश्वास मेरे ऊपर आपने रखा और ये आपकी चाहत थी कि दोबारा आपका सांसद मैं बनूं और वो आपकी वजह से संभव हुआ है, क्योंकि दार्जिलिंग अपने आप में बहुत ही अलग जिला है देश के अन्य हिस्सों की तुलना में। एक तरफ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और तिब्बत चाइना लगता है, बिहार, सिक्किम और आसाम का बॉर्डर लगता है, चिकन नेक क्षेत्र भी यहीं पड़ता है और पूरा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला भी यही इलाका है और सांसद है। लेकिन कुछ नाम ऐसे है जैसे दार्जिलिंग का नाम आप लेकर के किसी भी कोने में जाओ तो हर कोई समझता है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की टॉय ट्रेन, यहाँ की चाय और यहाँ की लोगों की सुंदरता और उनका बड़ा मन और उनका बड़प्पन और विशेष करके गोरखा जिस कल्चर में ढलते हैं और जैसा स्वभाव रहता है, जैसा हम अतिथियों का सम्मान करते हैं और जैसा गोरखा हमेशा दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता है, जैसा गोरखा देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहता है, इन सब के कारण जो है दार्जिलिंग अलग ही जाना जाता है। और ऐसे पवित्र स्थान, ऐसे पवित्र लोगों का सेवा करना और वो भी दूसरी बार सांसद बनने का अवसर मिलना, किसी भाग्य से ही ये मुश्किल और मुमकिन हो सकता है। मैं भाग्यशाली हूँ यहाँ की जनता का और मेरा इस प्रेस के माध्यम से यहाँ के जनता से मेरा वादा है, 4 जून को नतीजे आएंगे, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ लेंगे और बहुत सारे हमारे क्षेत्र में काम चल रहे हैं वो पूरे होंगे, नए और काम भी शुरू होंगे और साथ ही हमारी जो राजनीतिक मांग है उसकी भी पूर्ति इस 5 साल के कार्यकाल में होगा, ये विश्वास मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ। और क्योंकि 75 साल से ज़्यादा समय तक सिर्फ हमको ठगा गया, हमको लूटा गया है और जैसा जितना धन और हमारी रिसोर्सेस यहाँ से पश्चिम बंगाल सरकार लिया और बदले में हमको 10% भी नहीं मिला और कई बार हमारे ऊपर जो है गलत टिप्पणियाँ तक हुई है और ये एक हमारे लिए जो है ये अवसर है, हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं, उसमें दार्जिलिंग का बड़ा योगदान होगा, बड़े मतों से होगा और हम पूरा विश्वास है मोदी जी के लीडरशिप के ऊपर में, हमारी जो आकांक्षाएं, हमारी जो अपेक्षाएं, हमारी जो सपने हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो सपने हमने बुने हैं वो जरूर पूरे होंगे। ये ABP न्यूज वाला जो है ना, वो जितनी बार भी तुम गोरखालैंड का प्रश्न पूछो मैं अच्छे से जवाब दूंगा, क्यों मैं उन नेता में से नहीं हूँ कि आपको हेडलाइन दे दूं और आप झगड़ा कराओ, और ये झगड़ा कराने में हमारा मीडिया का बड़ा रोल रहता है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, हमने ये संकल्प किया है दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे और भारत के संविधान के अनुसार जो है उस चीज़ का समाधान करेंगे और भारत के संविधान पढ़ लेना, उसमें सब कुछ लिखा है। सही नहीं के सवाल पे रहेगा, आज मंच में जय गोरखालैंड के नारे लगे हैं, मलगुरुंग ने आपका हाथ पकड़कर जय गोरखालैंड बोला है, तो क्या इस बार आप गोरखालैंड का मुद्दा उठाएं? मैंने भी जय गोरखा कहा, मैंने गोरखालैंड शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट में भी किया, इसमें कोई पाप है क्या, कोई गुनाह है क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार मैनिफेस्टो में गोरखालैंड होगा जी। मैं ये बता रहा हूँ हमारी जो मांगे हैं उसको फुलफिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं आज से 15 दिन पहले बयान दे के गए और हमारा जो संकल्प पत्र में क्या होगा नहीं होगा, संकल्प पत्र छपने दीजिए, उसके बाद संकल्प पत्र पढ़ूंगा। पहाड़ का समस्या समाधान होने वाला है,
तो प्रधानमंत्री जी ने बोला है, कौन सा समस्या का समाधान के लिए? पहाड़ में देखो दो तरह की समस्याएं, एक तो पॉलिटिकल मैंने बता दिया, अभी बहुत लंबा व्याख्यान किया। दूसरी बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, दूसरी बड़ी समस्या है नल में पानी नहीं आता, तीसरी बड़ी समस्या है ट्रैफिक का बड़ा इशू है, चौथी बड़ी समस्या है टूरिस्ट तो आता है लेकिन गाड़ी खड़े करने के लिए पार्किंग की जगह नहीं है, चौथी बड़ी समस्या है यहाँ पे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, पांचवी सबसे बड़ी जो है समस्या है यहाँ अस्पताल नहीं है, बच्चों को जो है ब्लड के सैंपल देने के लिए सिलीगुड़ी तक जाना पड़ता है, ऐसे अनगिनत। सातवीं बड़ी समस्या है यहाँ पे चाय बगान में 100 वर्ष से ज़्यादा समय तक लोग श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं, भारत में कहीं भी उनको अपना जमीन का अधिकार मिला है यहाँ की जनता को नहीं मिला है, यहाँ मिनिमम वेज जो है आज भी दिन भर 8 घंटे काम करो उसके बाद जो है 250 रुपये मिलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में 350 रुपये से ज़्यादा मिलता है। सो ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसका समाधान होना है, हमारे युवा रोजगार है उनको रोजगार देना है, ये संभव होता है, सरकार की नीयत सही हो तो इतना पैसा और इतना धन है। आज भारत सरकार पंचायत के माध्यम से अनेकों स्कीमों के माध्यम से इतना पैसा देती है लेकिन वो भ्रष्टाचार के जो है सिर चढ़ जाता है, नेता मोटा हो रहा है, जनता जो है दिन ब दिन वो ठगा जा रहा है। पहाड़ में जति पनि तपाईको यो राष्ट्रिय माने स्किम है त्यसमा घोटाला भएको स्वयं तपाईले आरोप लाउनुहुन्छ तर अहिले सम्म कुनै छानबिन यता जाँच हुँदैन, किन हुँदैन? सीबीआई को आफ्नो उनीहरुको प्रक्रिया छ है, उहाँहरुको आफ्नो एउटा काम गर्ने तरिका छ, त्यसै हिसाबले सीबीआईले गर्छ। तर मैले आज पनि मञ्चबाट भने हो, आज सीबीआई धेरै जग्गा एङ्गेज छ होला, तर हेर्नुहोस् चुनावका बादमा म सीबीआई लिएर आउँछु किनभने एकखेप खाँचो छ। के हुन्छ भने हेर्नुहोस् म कसैलाई दोष दिएको होइन, एकखेप सीबीआई आएर अलिकति यहाँनिर उतो भयो भने रेड भयो भने इन्क्वायरी भयो भने मान्छे आफै डराउँछ, बुझ्नुभयो नि? चोर नेताहरू पनि आफै ठिक हुन्छन्, किनभने हेर्नुहोस् म आरोप किन जानी बुझी लाउँदैछु भन्दा आज जन जनमा गएर तपाईँहरू सोध्नुहोस् पब्लिकलाई, मतलब पब्लिक परेशान छ यो भ्रष्टाचारले गर्दा, बाटो खोज्नु त्यहाँ गोबरले आँगन के अरे लिपे जस्तै त्यहाँनिर टालेको मात्रै छ, अघि भने नल पाइप छ अब पानी छैन के गरौँ, पानी कहाँबाट ल्याएको छ त्यो सोर्सबाट ल्याएकै छैन है, अनि शिक्षा घोटाला त्यस्तै छ, म्युनिसिपालिटीमा घोटाला त्यस्तै छ, ऊ त दार्जिलिङको गएर फोटो खिच्नु नि यत्रो 16 इन्ची पाइप त्यहाँ गाडी राखेको छ, तर आज कति साल भयो आज पानी पनि आएको छैन, त्यो 216 करोड रुपियाँ कसले खायो त? के त्यसको इन्क्वायरी हुनु पर्दैन? पर्छ। त्यही भएर केन्द्र सरकारको जाँच एजेन्सी आएर एकखेप मजाले यहाँ इन्क्वायरी हुन चाहिँ बहुत अति आवश्यक छ। यो कहीँ कहीँ कतै बिजेपीले है दार्जिलिङ नगरपालिका पल्टाउने इन फ्युचर पल्टाउने एउटा प्रक्रिया सुरु गरेको छैन? एउटा कुरो के मलाई भन्छन्, सङ्गठन गरो, पार्टी विस्तार गरो, हुन त सबैले गर्न पाइन्छ है, त्यो आरोप नहुनु पर्ने। अनि अर्को म साह्रै त्यतातिर लाग्दिनँ, अध्यक्ष पनि यही छन् उहाँलाई थाहा छ, उहाँको झन् उल्टा गुनासो हुन्छ, तपाईँ पार्टीकै लागि सोच्नु हुँदैन अरूको लागि मात्रै सोच्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अर्को कुरो तपाईँहरू 6 काउन्सिलरलाई गएर सोध्नुहोस्, मैले कसैलाई फोन गरेर खोज्दै गइनँ, उहाँहरू स्वयं आएका थिए, अब उहाँहरूले आफ्नो के व्यथा बताए म त अहिले भन्दिनँ, त्यो सार्वजनिक गर्नु पनि हुँदैन है। अनि चेलीबेटी हामीहरूको दिदीहरू आफ्नो क्षेत्रका लागि आफ्नो वार्डका लागि काम गर्न चाहन्छन् भने म उहाँहरूका साथमा छु, त मैले साथ दिनुपर्छ, किनभने 6 वटा वार्ड उहाँहरूले सुधार्ने त्यो क्षमता उहाँहरूसँग छ, त्यही भएर मैले उहाँहरूलाई सहयोग गरेको। अनि अर्को कुरो हामीहरू मिल्दा के भयो, म त सिधै भन्छु टिएमसीसँग चाहिँ नमिल्नु किनभने गोली ठोक्छ, अनि त्यो फुल भगवान्लाई चढाउने फुल होइन, कमलको फुल भनेर चाहिँ भगवान्लाई चढाउने फुल है, अनि कमलका फुलमा कोही जोडिन्छ भने त्यो सोच मानेर चल्नुहोस्, गोर्खा जाति अझै ताकतवर र मजबुत हुँदैछ। भरोसा गरेको थियो सबैले है, तर 5 वर्ष त्यतिकै आशा आशामा गयो भनेर निराश पनि छन्, त यो पालि कस्तो प्रकारले विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ? होइन यसो जनताले एकदम विश्वास गरेका छन्, यही विष्टले के गर्छ भने म विश्वास तोड्दिनँ, फर्स्ट प्रायोरिटी के हुन्छ धेरै नै, म विश्वास तोड्दिनँ। हेर्नुहोस् त्यसो भनेर ए बिजेपी पनि उस्तै टिएमसी पनि उस्तै भन्नु हुँदैन, किन टिएमसी भनेको त गोली ठोक्ने हो, बिजेपीले देरी भएको छैन, तर भए पनि बिजेपीले कहिले पनि दिन्न भनेको छैन, मेनिफेस्टोमा पनि लेखिदिएको छ हो, हामीलाई त्यसको चाँडो खाँचो छ। अब हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजीले स्वयं बयान दिए हामीहरू गर्दैछौँ, हामीहरू अन्तिम छडमा पुगिरहेछौँ भनेपछि अलिकति सायद हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। 2024 लोकसभा चुनाव अगाडि केही गर्नु सकेन भने राजनीति छोडिदिन्छु, राजीनामा दिन्छु, तर भएन त्यो सबै होइन, यस्तो हो नि त, जनताले पनि छोड्न चाहेन,
अर्को कुरो हेर्नुहोस्, मैले राजनीति गरेको नि पैसा र कुर्सीका लागि पावरका लागि होइन, बुझ्नुभयो? अनि मुद्दा हुँदैछ, अब मुद्दालाई चाहिँ बिच रास्तामा छोड्नु जानु त, मैले अर्को नि भनेको थिएँ मुद्दा पार हुन्छ भनेर, भएन छोड्नु त भएन नि, हुन आँटिरहेछ, पुरा त गर्नु पर्यो नि। अनि अर्को कुरो हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै तपाईँहरू नेता दस बा म भन्दैछु 10-12 जना यहाँ तपाईँहरू नेता देख्नुहुन्छ, सजिलो छ ए बिजेपीले केही गरेन है म त वाक्कै लाग है भनेर, म पनि त्यसो गर्नु, समाधान चाहिँ कसले गर्छ त, गर्ने केन्द्र सरकार हो, समस्याको समाधान त पार्लियामेन्टमा छ, त्यो संविधानमा छ, म त काँधामा बोकेर पो कुद्दैछु त, किनभने मेरो जातिका लागि, मेरो जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ, क्षेत्रले न्याय पाएको हुनुपर्छ है, अनि सरकारसँग झगडा र लापा गर्ने त्यस्तो स्थिति पनि छैन। हेर्नुहोस् 10 करोडभन्दा बेसी हाम्रो जनसङ्ख्या हुन्छ, 3-4 वटा गोर्खाल्यान्ड भइसक्थे, 1.5 करोड छौँ, त्यही पनि चारैतिर छरेर बसेको छौँ, कसो कसो मिलाउँदैछु म, है त्यो मेरो दायित्व हो। योपालिको पत्रमा मुख्य मुद्दा के हुन्छ पहाडको निम्ति? मैले त अघि त्यहाँ पढेँ त, 4 जुनदेखि 4 जुनको बाइक जे पनि काम हुन्छ नि, त्यो मैले सबै त्यहाँ अघि घोषणा पत्रको पढिदिएको। आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, भारत भर में जितने भ्रष्टाचार हो रहा है, सीबीआई पहुंच रहा है, ईडी पहुंच रहा है, वो एक प्रोसेस होता है, पहले सीबीआई जाता है, फिर उसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस आता है ना, फिर ईडी आता है, वो तो दोनों एक साथ ही एजेंसी चलती है। सो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और आप देखिए, मुझे हैरानी तब होती है, हर घर जल योजना में 25% 30% जो है मार्जिन के साथ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर के जेब में पैसा नहीं जा रहा, 18 से 20% नेता के जेब में जा रहा है। अब जब कोई कॉन्ट्रैक्टर इतना जो है कमीशन देगा नेता को, तो वो भी काम हल्का करेगा, हो यही रहा है, इसलिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर। और आपको आप देखना, एक साल पहले मैंने एक बार बॉम्बार्डमेंट किया था इसके बारे में, अब प्लास्टिक की जगह अब लोहे के पाइप तो लग रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी में, और सबने जो है काम को थोड़ा और अच्छा किया है, लेकिन 100% होना अभी भी बाकी है। सब पिछले चुनाव में भी आपने ईडी और आईटी को जो पॉलिटिकल टूल कहा जाता है, ऐसा आरोप है, कौन कहता है? हमने तो नहीं कहा कि पिंजरा का तोता है, ये तो कांग्रेस के समय में सुप्रीम ने कहा था। और देखिए एक बात है, जो कहता है मतलब सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का क्या है, पॉलिटिकल टूल है, तो भाई जिसके घर में सीबीआई जा रहा है, जिसके घर में ईडी जा रहा है, जिसके घर में इनकम टैक्स जा रहा है, पहली बात तो वो कोर्ट जा सकता है, भाई प्रेस में क्यों बयान दे रहे, कोर्ट जाओ। दूसरी बात, जहां भी पहुंच रहा है 50 करोड़ रुपए कैश में मिल रहा है, अब बताओ ये क्या है? तो मैं दोनों जगह तो मैं सही नहीं हो सकता ना, अगर मेरे यहाँ घर पे रेड हुई है मैं कोर्ट जा सकता हूँ, और ऊपर से जो है 50-50 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है, इसीलिए अब ममता दीदी के 6 जो है मंत्री जेल के अंदर है, क्यों 50 करोड़ रुपए कैश निकला है, इतने सारे जो है, और सबने दूसरे नामों पे इतने सारे जमीन और बिल्डिंग खरीद रखी है, मुझे आता सब है, मुझे सब करना आता है, और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे A to Z पता है, मैं एक एक नेता का जो है लेखा जोखा साथ लेकर घूमता हूँ, लेकिन मैं प्रेस को नहीं बताता क्योंकि मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। और मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं सुधर जाओ, मुझे किसी से पैर नहीं है, लेकिन ज्यादा न तो जनता सहेगी और जनता के प्रतिनिधि होते हुए न मैं सह सकता हूँ, वही मेरा कर्तव्य, नहीं तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। सर, जनता के प्रतिनिधि होते हुए पिछले चुनाव में भी आपने कहा था कि समाधान बेहद नजदीक है, इस बार भी वही है, तो इस बार का कार्यकाल कैसे अलग होने वाला है? मैं तो दे दिया आपको, आधे घंटे से तो यही बयान दे रहा हूँ, स्वयं जो है प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं, ठीक है, और वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हूँ, क्योंकि चर्चा तो मेरी होती है ना, लेकिन अगर आप जो है खबर समय आगे बूम रख दे और बोलो यहाँ सब कुछ बोल दो, ऐसा हो नहीं सकता, बट आप निश्चिंत रहिए, मुझे लगता है जनता से ज्यादा चिंता आपकी है, आप चिंता छोड़ दें। सर, ये 24 में जो घर जल का जो जनता का गुनाह है, 24 तक जो सेंटर का दिया है गया, जो घर जल का जो है नेपाली में घर जल जब दिया है, तो घर जल का मतलब वो पाइप खाली लगा हुआ है, घर जल में पाइप लगा हुआ है, जल नहीं है खाली नहीं, केंद्र सरकार ने हर घर जल में पाइप के साथ जल के पैसा दिया, और इसीलिए जो है पहाड़ के लिए 2500 करोड़ रुपया पाइप के पानी और उसमें दौड़ने वाला सॉरी मतलब लोहे का पाइप
और उसमें जो है दौड़ने वाला पानी का पैसा दिया था, लेकिन यहाँ बड़ा धोखा हो गया, सिर्फ पाइप लग गया, पानी नहीं आया। 4 जून के बाद पानी आएगा और मैं बता रहा हूँ, ये देखना, 4 जून आने से पहले ये कॉन्ट्रेक्टर अपने आप को ठीक कर देगा। आज राजू, मैं इशारा कर चौरस्ता मोड़ पे आया और भाषण रखा, और भाषण में उसके आवाज में ये उम्मीद सुनाई दिया कि फिर से गोरखालैंड का उम्मीद उसकी आवाज देखेंगे। अंग्रेज अपने लिए बना के गए थे 20,000 लोगों के लिए, आज 3 लाख लोग जो है उसी टंकी को यूज कर रहे हैं। आप सड़कें देख लो, आप ट्रैफिक देख लो, आप चाय बगान देख लो, और बार बार आप जो है किसी का अपमान करोगे, आप बार बार किसी को विदेशी कहोगे, आप बार बार जो जमीन का हिस्सा है वो तो मान लिया, लेकिन यहाँ रहने वाले गोरखाओं को आपने क्योंकि वो एक शख्स ऐसा है, वो एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री है, असंभव काम जो है वो संभव करके दिखाए। हाल ही में भी कहा 370 हो गया इंकोना बगान को जमीन जो है वहाँ के श्रमिकों को उनका जमीन मिले, और ये प्रावधान मैं कर चुका हूँ, मिनिमम वेज से लेकर के जमीन से लेकर के सोशल सिक्योरिटी से लेकर के सब कुछ उस कानून में आ चुका है। क्योंकि आज सबसे बड़ी मुसीबत है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1953 के कारण ना तो आप ये सही अस्पताल बना सकते हो, ना आप सड़क बना सकते हो, ना आप और कोई विकास कार्य बगैर मालिक के पूछे कर सकते हो। जब प्लांटेशन लेबर एक्ट ही नहीं रहेगा तो बाकी जैसा बंगाल, बाकी जैसा भारत, वैसे ही दार्जिलिंग भी रहेगा। सर 2024 में इस जो ये है इलेक्शन है, गोरखालैंड मिलेगा ये नहीं? 2024 में तो चुनाव है, और 2024 से लेकर के 2029 है, आप निश्चिंत रहिए हमको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कितना भी प्रयास करो आपको क्या मिलेगा? अब मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो जो चाहिए मिलेगा, लेकिन आपको जो चाहिए वो मैं नहीं दूंगा। ईपीएस का मीनिंग क्या गोरखालैंड है? आपको आप जो आप भी समझते हो, फिर भी आप सोच रहे हो मैं कुछ बोलूंगा। मैं बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ भैया, ट्राई मत करो, फेल हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर स्वार, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं।